प्रिय दर्शकों नमस्कार एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो कुंडली आपके सामने लेकर के आया हूं ये कुंडली आई है अजमेर राजस्थान से ये हमारे और आपके बीच की ही कुंडली होती है आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस क्या है ये कमेंट में लिखते जाइए और रविवार का कार्यक्रम जरूर देखा करिए जैसे मैं मैंने कल सुबह के कार्यक्रम में शिवांग दुबे जी की कुंडली देखी थी और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी बहुत अच्छी बात है कार्यक्रम रोज देखना चाहिए प्रथमतया मैं आपको जैसे कि ये कुंडली में देख रहे हैं आप कि केंद्र खाली है लग्न कुंडली का नमांश कुंडली का केंद्र खाली है और चंद्रमा बारहवें हैं शुक्र और शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं दोनों परम मित्र धन भाव के अधिपति धन भाव में अपने परम मित्र शनि के साथ बैठे हैं लग्न के अधिपति का अष्टम भाव में स्वग्रही होना गुरु बुद्ध सूर्य का एक साथ बैठना तीसरे भाव में और राहु का उनके साथ बैठ करके वहां बुद्ध सूर्य और राहु तीनों को मिलाकर के वहां राहु जो है वो बुद्ध के वत परिणाम करेंगे क्योंकि वो भाव दरअसल ने बलवान बना करके रखा हुआ है राहु बुद्ध के साथ बैठेंगे वस्तुतः राहु शनि वत होते हैं तो यहां राहु और बुद्ध जो है वो शनि के मित्र हैं तो बुद्ध के ऊपर राहु का प्रभाव राहु बुद्ध से प्रभावित सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी और गुरु व्यक्ति को कई बार उसके प्रभावों को कमजोर करेंगे वहां गुरु जो हैं वो पांच डिग्री के हैं और राहु बारह डिग्री के हैं ऐसी अवस्था में गुरु के ऊपर ध्यान से समझिए ऐसी अवस्था में कि जब राहु की डिग्री कम है और गुरु की डिग्री ज्यादा है तो राहु गुरुवत परिणाम करते हैं लेकिन यहाँ पे राहु की डिग्री ज्यादा है बारह डिग्री के हैं और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री पाँच डिग्री की है ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति पे राहु का प्रभाव ज्यादा रहेगा अब राहु शनिवत हो गए तो राहु के ऊपर शनि का व्यवहार होता है तो राहु का प्रभाव शनि से प्रभावित और बुद्ध जो होते हैं वो वस्तुतः शनि के मित्र होते हैं तो ऐसी अवस्था में राहु का प्रभाव बुद्ध से बुद्ध का प्रभाव राहु से एक साथ मिलता हुआ और एक साथ आपस में जो है वो आ, समागम करता हुआ मिलेगा वहां सूर्य 25 डिग्री के बैठे हैं ढलान पे हैं ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पराक्रम को कई बार थोड़ा कमजोर या कई बार व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची रहती है पर उतनी वो मेहनत नहीं करना चाहता या ये चाहता है कि कई बार उसे जल्दी ही आसानी से बड़ा सब काम सब आसानी से हो जाए तो ये तीसरा भाव है वैसे इनकी कुंडली में तीसरे भाव में गुरु बुद्ध राहु और सूर्य के बैठने के कारण तीसरे भाव पे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है जब तीसरे भाव पे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है मतलब वहां पे हलचल ज्यादा है धन भाव बलवान होगा क्योंकि धनेश धन भाव में धन के कारक राहु के संपर्क में बुद्ध के संपर्क में और उस भाव से ठीक पीछे शनि और शुक्र बैठे हैं इस वजह से धन थोड़ी मशक्कत से आती है चूंकि में भाव के अधिपति शनि लाभ भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं दशम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करता हुआ दिखता है या कई बार वो स्वयं का कारोबार करता है इस अवस्था में कि धन भाव और लाभ भाव के अधिपति के साथ जैसे धन भाव के अधिपति शुक्र लाभ भाव के अधिपति शनि तो ये दोनों से लाभ और धन के जो कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति वस्तुतः वो उनसे द्विद्वादश के संबंध में है इस अवस्था में भी कई बार व्यक्ति को धन हानि उठानी पड़ती है इसके बाद इस कुंडली में मैं अगर बाकी की चीजें बात करूं तो पंचम भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना और बारहवें भाव के अधिपति के साथ और नवम भाव के अधिपति के साथ भाग्य भंग योग लगाना भाग्य भाव के अधिपति नवम भाव और बारहवें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए देव गुरु बृहस्पति कुंडली के लिए प्रधान ग्रह के रूप में जाने जाते हैं मारक ग्रह के रूप में शुक्र देव मेष लग्न की कुंडली के लिए जाने जाते हैं तो वो प्रधानतया द्वितीय भाव में बैठे हैं चंद्रदेव इस कुंडली के सुखेश होते हैं बारहवें बैठे हैं उस उसपे किसी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है इस वजह से व्यक्ति का मन उतना आंदोलित और परेशान नहीं होगा कम से कम वो सपने देख सकता है इसके साथ साथ शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे मंगल अष्टम भाव में बैठ करके द्वितीय भाव को लाभ भाव को और तृतीय भाव को देख रहे हैं जहां पे कहीं पे भी उनकी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं जा रही है क्योंकि लाभ भाव में उनकी सामान्यतया बहुत अच्छी राशि नहीं बनी द्वितीय भाव पे भी वो बहुत अच्छा देख नहीं रहे हैं तृतीय भाव पे भी उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं जा रही है इसका अर्थ है कि मंगल इस कुंडली में अपने दृष्टि से भावों को प्रभावित कर रहे हैं और नकारात्मक मतलब लाभ में तो कभी कभी उनको नुकसान होगा यह व्यक्ति जितनी महत्वाकांक्षा रखता है कई बार वो उतनी पूरी नहीं हो पाती है द्वितीय भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को मांसाहार करने वाला कठोर और कड़वा बोलने वाला और कई बार व्यवहार में चापलूस या कई बार निर्दयी ऐसा बना देने वाला भी बन जाता है जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति ऐसी संभव है कि व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाए चंद्रमा से गुरु का संबंध चतुर्थ दशम का है चंद्रमा से सूर्य का संबंध चतुर्थ दशम का है चंद्रमा से मंगल का संबंध नवम पंचम का है ये स्थितियां चंद्रमा से मंगल का जो संबंध बना है वो व्यक्ति को धनवान सुखी और मतिमान बनाएगी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो यकीनन ये आपको बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बना देते हैं वहीं चंद्रमा से सूर्य जब चौथे बैठ जाते हैं या सूर्य से जब चंद्रमा दशम और चौथे के संबंध में चले जाते हैं तो व्यक्ति निर्णय की स्थिति में जाता है जीवन में उसके कई बार ऐसे पक्ष बनेंगे कि वो आसानी से कोई निर्णय नहीं ले पाता है बातूनी हो जाता है और कई बार उसकी बचकानी हरकतें उसके नुकसान का कारण बनती हैं अगर सूर्य से चंद्रमा दशम और चंद्रमा से सूर्य दशम चौथे के संबंध में बैठे हैं तो वहीं चंद्रमा से गुरु का संबंध चौथे दसवें का है यह स्थिति व्यक्ति को कम से कम कुशाग्रता प्रदान अवश्य कर देती है यहां पे नौमांस कुंडली में केंद्र का खाली होना शुक्र का पंचम भाव को देखना चंद्रमा का सिंह राशि में होना और सूर्य का बारह में होना सूर्य और शनि का बारह में होना ये आपसी संबंध और खास करके वो एक जो निश्चिंतता होती है विवाह में उसकी कमजोरी दिखा रहे हैं राहु और केतु का मंगल के साथ बैठना मंगल उच्च के बैठे हैं इस वजह से व्यक्ति कम से कम विवाह को लेकर के साहसी और दृष्टिकोण अच्छा रखने वाला होता है लेकिन द्वितीय भाव पे चंद्रमा का प्रभाव चंद्रमा तीसरे में और केतु का प्रभाव धन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति में परेशानी रहेगी गुरु और बुद्ध का छठवें भाव में वृश्चिक राशि में बैठना और मंगल का उच्च का होना यहां पे ससुराल से धन होता है पर कई बार उसमें संघर्ष या फिर मांगने के बाद या थोड़ा कम से कम दोनों को संघर्ष में नहीं जाने देता है मतलब पति और पत्नी एक दूसरे के कट्टर शत्रु कभी भी नहीं होते हैं पर नवांश कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठे हैं दशमेश दोनों केंद्रों के अधिपति कम से कम छठे भाव में बैठे हैं गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे लग्नेश जन्म कुंडली में छठे स्थान में ये कभी बार विवाह को संघर्ष में या कई बार एक बार बार एक विवाह कट करके दूसरी में में होता है ये बात है बात कुंडली उच्च के गुरु और बुद्ध का लग्न में बैठना कारोबार को बहुत ही श्रेष्ठ और मजबूत रखता है दशमांसा कुंडली के चतुर्थ स्थान पे राहु और जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना शुक्र का स्वग्रही शनि का मित्र की राशि में चंद्रमा का धनु राशि में बैठना और परिवर्तन गुरु और चंद्रमा का यह व्यक्ति व्यक्ति के 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 करियर को को वेल्थ से युक्त रखता है धनवान सुखी और कर्म में भाग्य के सुख के साथ व्यक्ति का क्षेत्र लेकर दृष्टिकोण उजागर होता है सही वाला और यह अच्छा होता है पंचांग की स्थिति अगर देखते हैं तो इनका जन्म दक्षिणायन में होता है जिसमें साहस थोड़ा कम कई जगह से धन कमाने की प्रवृत्ति वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में प्रश्न चिन्ह बहुत बनते हैं दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और धनवान होने का बड़ा मन करता है धन भाव में शुक्र और शनि ये जो दोनों ग्रह बैठे हैं तो धन भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के ष्ठी तिथि का है तो कृष्ण पक्ष के ष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और वो चंद्रमा बारहवें भाव में मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं जिसके ऊपर से चल रही है अभी साढ़े सात क्योंकि शनि कुंभ राशि में है तो चंद्रमा पे साढ़े साथ है आपकी राशि से तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति का अभी गोचर होने वाला है मई से और अभी आपकी राशि पे साढ़े साथ ही है इस वजह से बजरंग बली की पूजा और राशि से तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रभावों को कई बार आलस्य में लेके जाने वाला भी होता है शुक्र और शनि का धन भाव में बलवान होना धन भाव के बलि होने के कारण व्यक्ति को धनवान और सुखी और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला और न्याय प्रिय सत्य बोलने वाला होता है आगे बढ़ के बताते हैं उत्तरा भाद्रपद शोभन शौ, योग करण ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव कम से कम श्रेष्ठ और गतिमान बनाने के लिए लाभदायक होगा इस कुंडली का धनभाव वली है इस वजह से व्यक्ति जितनी चाहे मेहनत करके धन कमा सकता है इस कुंडली में सबसे ज्यादा प्रश्न धन को लेकर के पूछे गए हैं पर धन के कारक गुरु राहु के साथ है इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कई बार दो रुपए लगा करके बीस रुपए कमा सकता है या समाज के तात्कालिक धन कमाने के स्रोतों से धन कमाएगा वो पौराणिक और आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होता हुआ धन नहीं कमाएगा गलत और सही हर तरीके के काम करके वो धन कमाने वाला होता है इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो केंद्र का खाली होना पंचम का खाली होना नवम का खाली होना कुंडली के संघर्ष को भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं अगर आपकी कुंडली का केंद्र खाली है तो निश्चित रूप से अब आप आलस्य नहीं कर सकते अब आप किसी का अनादर नहीं कर सकते और सदैव अपने आप को एक्टिव रखने की आदत डालनी ही होगी इस कुंडली के लिए अभी जो दशा चल रही है वो बुद्ध की दशा चल रही है जहां ये बुद्ध दो तक चलेंगे अब आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं जन्म कुंडली में बुद्ध का स्वग्रही होना शुक्र का स्वग्रही होना और मंगल का स्वग्रही होना तीन ग्रह जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं और राहु बुद्ध के ही जैसे परिणाम कर रहे हैं गुरु और सूर्य का एक साथ तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को गलत और सही हर तरीके का काम करने वाला बना रहे हैं पर तीन ग्रह जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं इसका अर्थ व्यक्ति को धनवान और बहुत अच्छा धन देने वाला बनाते हैं ये बहुत अच्छी स्थिति होती है पर अगर केंद्र में ग्रह होते तो बड़ी अच्छी बात होती यहां पर मैं रोक करके आपकी कुंडली में चलित चक्र पे लेकर के आता हूं तो चरित चक्र में सूर्य देव जन्म कुंडली के चौथे भाव का फल कर रहे हैं मतलब साठ प्रतिशत सूर्य का परिणाम चतुर्थ भाव का रहेगा जिसका असर होगा कि व्यक्ति का मन सदैव विकल परेशान चिंतित सुखोपभोग और सुख के संसाधनों को इकट्ठा करने में सदैव रत रहता है मंगल और केतु मंगल भी कुंडली में नवम भाव का परिणाम कर रहे हैं और शुक्र और शनि यहीं बैठे मतलब सूर्य चतुर्थ में और मंगल नवम में मंगल का प्रभाव साठ प्रतिशत कम से कम नवम भाव का मिलेगा वहां वो मित्र की राशि में बैठे हैं केतु मंगल के ही भांति परिणाम करने वाले हो जाएंगे और वैसे भी केतु मंगलवत ही होते हैं तो भाग्य भाव इस जातक का बलवान है पर बचकानी हरकतें व्यक्ति सदैव करता रहेगा वो दिखा दिखा करके धर्म करने वाला होता है बता बता करके लोगों की सेवा करने वाला होता है और जब कभी भी कोई अच्छा काम कर दे तो उसका ढिंढोरा पूरे समाज को पिट देता है यह अच्छी बात नहीं है आपको बताना है बताने के पीछे ये भाव नहीं होना चाहिए कि देखो मैं कर रहा हूं मेरे पास है इस वजह से कर रहा हूं बताने के पीछे का भाव ये होना चाहिए कि देखो तुम भी करो अगर आपके पास बड़ी अच्छी बात है अगर आपकी आमदनी सौ रुपए है है ना अगर आपकी आमदनी सौ रुपए है तो उसके पांच हिस्से करिए पांच हिस्से में धर्म पे लगाइए परिवार के पोषण पे लगाइए जिस जगह से धन आ रहा है उस पे धन लगाइए अपने इष्ट मित्र और जो रिश्तेदार हैं नाते संबंधी रिश्तेदार हैं उनको दीजिए और साथ ही साथ कुछ पैसा कुछ जो धन है वो आप सुरक्षित करिए भविष्य के लिए तो ये पांच जगह जो हैं ये धन का सही अर्थ में धन का व्यय है इन जगहों पे धन के खर्च करने से आपको कभी भी धन की दुर्गति झेलनी नहीं पड़ती है धन की समस्या नहीं होती है ये धन के सही मायने में व्यय के मार्ग हैं तो यहां पे धन भाव बिल्कुल सुरक्षित है धन की वैसी कोई समस्या नहीं है पर चंद्रमा बारह में है इस वजह से व्यक्ति का मन विकल है परेशान है बीमार है और चूंकि उस उसपे कहीं ना कहीं लेकिन यहां मंगल जो है वो नवम भाव में बैठे तो हैं चलित चक्र में पर उनकी दृष्टि कभी भी नवम भाव से नहीं देखी जाएगी उनकी दृष्टि अष्टम भाव से ही देखी जाएगी चलित चक्र में ग्रह बदलते हैं भाव बदलते हैं राशियां नहीं बदलती ग्रह अब नवम भाव का फल करेगा और वृश्चिक राशि का फल करेगा ग्रह नवम भाव का फल करेगा धनु राशि का नहीं फल करेगा वृश्चिक राशि का फल करेगा 60% फल करेगा और उसकी दृष्टि अष्टम भाव के ही स्थित होने का बताया जाएगा मंगल अष्टम भाव में बैठ करके एकदशवे को देखेंगे उनकी दृष्टि ऐसा नहीं है कि नवम भाव में बैठ करके बारे में को देख लेंगे चलित चक्र से दृष्टि नहीं देखी जाती है ग्रह की दृष्टि सदैव जहां वो प्रारंभ में स्थित होता है वहीं की देखी जाती है यह बात याद रखने की है आपकी कुंडली का आत्मबल आपकी कुंडली की बुद्धिमता सूर्य कुंडली के आधार पर और आपकी कुंडली का व्यय और इस कुंडली का मोक्ष और साथ ही साथ इस कुंडली में वापस इस धरा पे आने का भी योग बन रहा है इस वजह से मोक्ष की गति प्राप्त करने के लिए सदैव अपने आप को नाम के जब से और श्रेष्ठ कर्मों से लिप्त रखें युक्त रखिए अपने आप को नाम भगवान का जप करते रहिए स्तोत्र पाठ करते रहिए गीता जी का पाठ करते रहिए रामचरितमानस के प्रत्येक दिन का पाठ का आवश्यक होगा भगवत गीता के प्रत्येक दिन पाठ का आवश्यक होगा दान पुण्य मंत्र जप गुरु दीक्षा गुरु के साथ संपर्क और उनके साथ सदैव उनकी आज्ञा का पालन उनके प्रति अपार श्रद्धा रखना ये सब व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाने के साधन हैं। अब मैं आगे आपको इनकी कुंडली कुंडली में अगर बात करें तो इस कुंडली का मन व्यवस्थित है अगर आप इस कुंडली का चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा से चार घर आगे चारों ग्रह बैठ रहे हैं जो व्यक्ति के मन को स्थित रखना चाहते हैं व्यक्ति का दिमाग एक जगह टिकना चाहता है पर बहुत सारे ग्रहों के दबाव के कारण वो परिस्थिति जनित स्थितियों के कारण भटक जाता है वस्तुतः व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो भगवान की प्रीति और मोक्ष की तरफ है है ना? लेकिन जीवन में मेरे पास एक बहुत बड़े पीठाधीश्वर की कुंडली आई थी उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि आप वस्तुतः आप तो यही चाहते हैं कि आपके पास कोई ना आए पर आप जान बुझ करके नहीं पर परिस्थितियों के कारण आप बार बार उलझ जा रहे हैं आप बार बार सोचते हैं कि दुनिया मुझे छोड़ दे पर ऐसा हो नहीं पाता है तो वैसे ही यहां पे चार ग्रह एक साथ बैठे हैं और जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो गुरु बुद्ध राहु और सूर्य एक साथ आएंगे जिसके कारण व्यक्ति का जीवन से मोह बड़ी जल्दी भंग हो जाता है जिसके कारण उसके जीवन में और उसकी कुंडली में प्रव्रजा योग घटित हो जाता है और व्यक्ति आसानी से किसी को त्यागने की स्थिति में चला जाता है पर फिर से वापस वो समाज में रह करके समाज के कल्याण की बात सोचता है और वो उसमें सफल भी होता है चरित्रवान है भाग्यशाली है लोगों को देना चाहते हैं समाज को देना चाहते हैं और निर्विवादी भी रहना चाहते हैं पर ये समाज की जितनी आवश्यकता है वो व्यक्ति अपने धन से पूरा करना चाहता है वो चाहता है कि उसके पास इतना हो जाए कि कम से कम वो समाज को इतना दे दे कि लोग उसके पास उसको इस नाम से जाने कि हाँ वो एक देने वाला दाता था ये इस प्रकार की कुंडली है जो कई बार लोगों को सिर्फ देने के लिए धन कमाना चाहती है अपने लिए शायद वो उतना धन नहीं कमाना चाहती अपने सुख सुविधाओं के लिए उतना धन नहीं कमाना चाहती पर वो सबसे ज्यादा इसलिए धन कमाना चाहती है इसलिए नाम कमाना चाहती है क्योंकि उसे समाज को यह बताना है कि देखो यह दिया जाता है यह कमाने के लिए दिया जाता है धर्म कहां है वस्तुतः जो है वो चिंतन का भाव है अष्टम भाव समाधि का है तो लग्नेश कहां बैठे समाधि के भाव में और अपनी राशि में अष्टम भाव के मंगल व्यक्ति को आयु से युक्त तो रखेंगे पर व्यक्ति को कई बार उसमें एक्सीडेंट चोट चपेट की घटनाएं दुर्घटना आयु लंबी हो पर व्यक्ति को गोले से बारूद से बंदूक से छुरी से कैंची से विष वाले जानवर से विष देने से नजर दोष से इस तरीके से परेशानी आती है धर्म के बाद अर्थ अर्थ बहुत अच्छा है काम काम भाव में चार भाव मतलब व्यक्ति पराक्रमी है क्योंकि सूर्य बैठे हैं राहु है क्योंकि उसको बल दे रहे हैं बुद्ध बैठे हैं तो पराक्रम को लेकर के व्यक्ति में व्यापारिक व्यापारिक नेचर है और गुरु उसमें सौम्यता ला रहे हैं भक्ति को जीवन में धर्म सिखा रहे हैं मोक्ष भाव के अधिपति में मोक्ष में बैठे मोक्ष भाव के अधिपति मोक्ष में ये बहुत बढ़िया है चंद्रमा का सम संख्या की राशि में बैठना गुरु का शुभ ग्रह की राशि में बैठना शुक्र का सम संख्या की राशि में बैठना पापग्रह का सम संख्या की राशि में मित्र के साथ संभावस्थ होकर के बैठना तो ऐसी स्थिति धर्म भाव पराक्रम कर रहा है राहु के साथ है तो मतलब हमें संतान अपनी बुद्धि अपना यश अपने समाज को देने का भाव ये सब सदैव स्पष्ट रखना है उसमें कोई भी धुंधलापन नहीं रखना चाहिए धर्म के बाद मोक्ष के बाद धर्म अर्थ ये कहा है मेहनत कर रहा है मतलब व्यक्ति करेगा और प्राप्त करेगा

जो है वो मुझे सटीक बोलना है कहां मुझे चुप रहना है और गंभीर संघ की भांति वाणी वाला होता है गंभीर होता है धर्म भाव में केतु दानी और धर्म को लेकर के उदार प्रवृत्ति अर्थ इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन में तो जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो धन कमाता रहेगा और धन कमाने के लिए संघर्षरत रहता है और वो इसमें सफल भी होता है काम इस भाव के अधिपति धर्म अर्थ काम काम भाव के अधिपति धन में मतलब काम और लाभ का योग बना है धन और लाभ का योग बना है लाभेश का धन भाव में जाना बहुत उत्तम माना जाता है मोक्ष भाव के अधिपति काम भाव में मोक्ष और काम का संयोग हो रहा है मेरे कहने का अर्थ है कि कुंडली जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में पिस रही है और कहीं ना कहीं बारहवें भाव में चंद्रमा अष्टम भाव बली है पर मंगल बैठे हैं इस वजह से हमें अपने धर्म को निश्चित रूप से धर्म के प्रति व्यक्ति की दृष्टिकोण बहुत अच्छी और उदार की प्रवृत्ति वाली है समाधिस्थ है दानी है ज्ञानी है रिसर्चर है ज्योतिषी है तंत्र मंत्र रत्न यंत्र मंत्र आदि योग प्राणायाम आदि में उसकी रुचि है तो ये सब चीजें बन रही है आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं तो इस कुंडली में ग्रहों के बल के आधार पे शास्त्र कहता है जो प्रकाशक ग्रह होते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह कहा गया है ये इस कुंडली की अब मूल्य बात मूल मूल्य जो तत्व तो है अब आपको वहां पे लेके आता हूं विश्लेषण तो मैंने कर दिया अभी और कुछ बातें बताऊंगा सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह कहा गया राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया और उसके बाद मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि ये जो पांच ग्रह हैं मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु छाया ग्रह सूर्य चंद्र प्रकाशक ग्रह तो बाकी के जितने पांच ग्रह बचे मंगल को लेकर के बुद्ध को लेकर के गुरु को लेकर के शुक्र को लेकर के और शनि को लेकर के ये जो पांच ग्रह हैं ये पंच तारा ग्रह कहे गए ये पांच जो ग्रह हैं पंचताराग्रह ये प्राय वक्री होते हैं तीव्र होते हैं मंद होते हैं अतिचारी होते हैं वक्र अनुवक्र कुटिला मंद तारा मंद ऐसे करके जो उनकी चलने की प्रकृति होती है पर वस्तुतः ग्रह की दो गति होती है एक सामान्य जो चल रहा है एक अनुक्रम में चल रहा है और एक वक्र है एक मतलब जो पीछे भी जाता है जो कभी कभी एहसास कराता है कि वो पीछे जा रहा है तो सामान्यतया ये पंच जो तारा ग्रह हैं ये सदैव वक्री और मार्गी होते रहते हैं सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु और केतु छाया ग्रह हैं वो सदैव वक्री होते रहते हैं वो सदैव उल्टे चलते हैं अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि इस व्यक्ति की कुंडली के पंचांग पे मैं आपका परिचय कराऊं इनका जन्म किस दिन को हुआ है जन्म जो हुआ है वो बुधवार को हुआ है जरा ध्यान से समझिएगा तो बुद्ध इस कुंडली के बली हैं, तृतीय भाव में हैं, स्वग्रही हैं, राहुवत और शनिवत हैं और कम से कम उनपे सूर्य राहु शनि बुद्ध और गुरु का प्रभाव है तो यहां बुद्ध जो हैं वो वस्तुतः एक तरीके से क्रूर ग्रह दूसरे सौम्य ग्रह राहु के साथ गुरु है तो राहु का बल ज्यादा है सूर्य राहु को भी प्रभावित कर रहे हैं और राहु जो है वो बुद्ध को प्रभावित करें तो राहु जो है वो बुद्धवत है तो यहां पे बुद्ध बली है। तो का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है व्यापार को लेकर के उसका जो ध्येय है वो बड़ा उच्चतम है तो मतलब और चंद्रमा बुद्ध से चंद्रमा चौथे दसवें मतलब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ठीक बैठी है खराब नहीं है पर पापक है इस वजह से वो अनियंत्रित धन देंगे एक जैसा नहीं देंगे तो व्यक्ति के जीवन का जो धन का सोर्स होगा वो कभी ज्यादा होगा धन आगमन के जो तरीके होंगे या धन के आने की गति जो होगी होगी वो कभी ज्यादा और कभी कम होगी तो इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में धन आएगा लेकिन चंद्रमा से बुद्ध का जो रिलेशन बन रहा है वो चौथे दशवें का है ऐसी स्थिति में व्यक्ति दाम्पत्य को पत्नी को खूब देने वाला पत्नी के नाम पर इकट्ठा करने वाला बच्चों के नाम पर इकट्ठा करने वाला एकाकीपन विवाह होने के बाद माता पिता को थोड़ा दूर या माता पिता से थोड़ा दूर या वैचारिक मतभेद में जाने वाला या कई बार 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 एक ही गलती करने वाला अपने संस्कारों को कई बार भूल जाने वाला भी चंद्रमा और बुद्ध की दशा में ऐसी चीजें होंगी कि व्यक्ति अपने संस्कारों को अपने सभ्यता को अपनी संस्कृति को अपने परंपराओं को अपने कुल के परंपराओं को अपने कुल देवता की स्थिति को भूल जाता है तो ये चंद्रमा और बुद्ध की दशा में होगी तो ये जो चीजें हैं वो चंद्रमा और बुद्ध की दशा में मैंने जो बात कही दूसरा ये चंद्रमा और बुद्ध दोनों एक दूसरे से केंद्र में है <coughs> तो ऐसी जो स्थिति होती है कि जब चंद्रमा और बुद्ध केंद्र में चले जाते हैं तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार उसको किसी की आवश्यकता पड़ती है किसी धर्म गुरु की आवश्यकता पड़ती है किसी गुरु की इच्छा की आवश्यकता पड़ती है कभी बड़ों की आवश्यकता पड़ती है और क्रमशः उसे ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेता है जहां पैसों की बात हो व्यापार को लेकर के हो विवाह को लेकर के हो संतान को दाहर दूर भेजने को लेकर के हो यात्रा को लेकर के हो तो जरूर वो अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को बना करके रखे रखना चाहिए जहां वो उससे सलाह ले सके कम से कम हमारे जीवन में जो हम गलतियां करते हैं वो उससे हमें ये बात हर बार हम अपने अपने आप को इतना आत्मविश्वासी बना लेते हैं कि बार बार हम बार बार वही गलती करते जाते हैं और हम उस गलती से सीखते नहीं है तो इसमें ही हमारे गुरु हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं इसमें ही हमारे माता पिता हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं इसमें ही हमारे बड़े भाई हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं इसमें ही आपकी ज्योतिष शास्त्र आपकी सहायता करता है कि हमें कब कौन सी काम करने की आवश्यकता है और कब कौन सा काम नहीं करना है तो ये कम से कम याद रखना होगा <clears throat> दूसरी बात है कि इनका जो जन्म हुआ है वो रात्रि को बारह बज के पचास मिनट पर हुआ है मध्य रात्रि और कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ तो सोच के देखिए तो अब चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष में और रात्रि कम चंद्रमा कृष्ण पक्ष में तो दिन का जन्म होना चाहिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है तो रात्रि का जन्म होना चाहिए मतलब ये अच्छी बात है लेकिन यहां पे गड़बड़ी है अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नहीं होते शुक्ल पक्ष में होते और मध्य रात्रि का जन्म होता तो बहुत अच्छा माना जाता पर यहां पे दिक्कत क्या आ रही है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के पूर्णतया अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं अमावस्या की तरफ है सप्तमी अष्टमी नौमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या मध्य में ही है हालांकि ग्रह पर कृष्ण पक्ष के रात्रि के चंद्रमा पापक होते हैं जो है वो दूषित हो जाते हैं उनके पास बल कमजोर होता है या कृष्ण पक्ष के रात्रि का जन्म व्यक्ति को असंतुलन में लेके जाता है तो हमें हमें हमारे भावनाओं पे नियंत्रण रखना है हमें व्यय पे नियंत्रण रखना है मैत्री पे नियंत्रण रखनी है माता के स्वास्थ्य पे नियंत्रण रखना है उनको सदैव उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है अपने व्यवहार को कठोर नहीं बनने देना है ईर्ष्यालु नहीं बनना है जलन की भावना नहीं रखनी है किसी के बारे में कोई पाप न मन में जागृत हो इसका ध्यान रखना है क्योंकि गुरु और सूर्य केंद्र में नहीं है और क्योंकि गुरु और सूर्य तीनों एक साथ बैठे हैं पर तीसरे भाव में बैठे हैं ये अवस्था व्यक्ति को कई बार तिकड़मी हठी जिद्दी गुस्सैल क्रोधी कामुक या प्रवृत्ति खराब या निवृत्ति मूलक ना बनाकर के प्रवृत्ति मूलक बना देती है तो मेरे कहने का सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि हमें हमारे जीवन में चूंकि चंद्रमा के बारे में बात आती है कि चंद्रमा ही आपके व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं उसमें लग्नेश बल देते हैं वस्तुतः चंद्रमा अगर कमजोर है है पीड़ित परेशान है तो वो आपके प्रवृत्ति को खराब करेंगे तो प्रवृत्ति कैसी होगी आप देख करके जलने वाले हो जाएंगे, हो जाएंगे गुस्सा जाएगा क्रोध ज्यादा होगा अनियमित रहेंगे आ, मतलब उसमें जो एक आत्मीयता होती है उसका भाव कम होता है वो किसी के साथ घर्षण में चला जाता है कंपटीशन में चला जाता है वो भाव उसमें वो व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है कनेक्शन नहीं बना पाता है हृदय से तो इन सभी चीजों का कमजोर होना भी इस कुंडली को दिखा रहा है तो मेरे कहने का स्पष्ट पक्ष यह है कि हमें व्यक्ति होने के साथ साथ अपने अंदर दैवत्व के गुण का भी प्रचार प्रसार करना है हमें किसी दूसरे को धर्म बताने से ज्यादा क्योंकि यहां पे ये बात घटित होगी मंगल जो है 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 वो वृश्चिक वृश्चिक राशि के नहीं वस्तुतः तो में हैं, पर भाव वो केतु के साथ कर रहे हैं तो व्यक्ति दूसरों को धर्म बताएगा दूसरों को बताएगा कि यह करो वो करो पर स्वयं नहीं करे तो यह स्थिति ना हो तो भी बहुत आवश्यक बात होगी दूसरा यह मैंने बहुत गहरी बात कह दी इस कुंडली के लिए शुभ अंक के तौर पे चार बहुत अच्छा रहेगा उत्तर और पूर्व के ग्रह के प्रवेश में बहुत अच्छा रहेगा मतलब मुख्य द्वार उत्तर पूर्व में हो तो बहुत अच्छा है राशि के ऊपर साढ़े साथ ही है बजरंग बली की पूजा करिए सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए शाम को समय इसके साथ साथ इस कुंडली में राशियां जिसपे आप मैत्री कर सकते हैं धनु और सिंह की हैं शत्रुता कभी भी नहीं करनी है वृषभ कन्या और मकर वालों से इस कुंडली के लिए अभी बुद्ध की दशा चल रही है जो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष में रख रहे हैं और अभी वो रहेंगे 16 साल की ये जो दशा होती है वो थोड़ा परेशान भी करती है इस कुंडली में सबसे जो अच्छी दशा आएगी वो 2028 के अक्टूबर के बाद आएगी ये इतनी सारी चीजें नक्षत्र के आधार पर उत्तरा भाद्रपद रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु और ज्येष्ठा यह नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी कार्य कार्य को करने के लिए नमांस और लग्न का खाली होना

ऐसी बात है इस कुंडली में सबसे जो अच्छी दशा जाएगी वो क्रमशः शुक्र और शनि की जाएगी अच्छे नहीं होते हैं फिर भी इस कुंडली में सामान्यतया घर्षण वाली दशा रहेगी गुरु 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 राहु राहु की राहु गुरु की गुरु बुद्ध की गुरु सूर्य की सूर्य ये थोड़ी सी संघर्ष की दशा रहेगी अंतर प्रत्यंतर में भी बात करता हूं इसके बाद अगर मैं बुद्ध की दशा के बारे में और भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो इस बुद्ध की दशा आपसे प्राप्त करवाएगी इस दशा काल में आपके मेहनत का फल प्राप्त होगा और अच्छी जाएगी इस बुद्ध की दशा में आप जाते जाते अपने आप को यह देखेंगे कि मैंने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था हालांकि उसके लिए आपके जीवन में संघर्ष रहेगा जो कि किसी को बिना संघर्ष के तो कोई चीज प्राप्त नहीं होती है गुरु आ, बुद्ध के बाद जो केतु की दशा आएगी वो आपके जीवन में आपकी प्रगति से लोगों के दिमाग में जलन पैदा करेगी और केतु की जो दशा होगी वो कम से कम आपके कई बार घर परिवार में थोड़े से कलह और कई बार आपके मानसिक शांति को भंग करने वाली भी होगी होरा चक्र के आधार पे अगर मैं बात कहूं तो इस कुंडली में चंद्रमा सूर्य और शुक्र की दशाएं मानसिक शांति देने वाली होंगी और धन थोड़ा कम सा आएगा लेकिन इस कुंडली में गुरु और मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी धन के मामले में प्रतिस्पर्धा के मामले में साहस के मामले में पराक्रम के मामले में महत्वाकांक्षा के पूर्ति होने के मामले में बाकी शनि और बुद्ध की दशाएं थोड़ा संघर्ष देने वाली बन रही हैं लेकिन ये प्राप्त करवाएंगे जैसे कि मैंने कहा था ये आपकी इतनी सारी चीजें भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से है और आप भाग्यशाली भी हैं कभी भी किसी के साथ बातचीत टोटल तरीके से बंद मत करिएगा आप शोर मत मचाइए काम पूरा होने से पहले यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है दिन के आधार पर इस कुंडली में मंगलवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा है इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा पूजा अगर किसी की करनी है तो भगवान भोलेनाथ की करनी है गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है तीसरे भाव में है ऐसी अवस्था में शिव जी के ऊपर अगर हो सके तो केसर जल या हल्दी हल्दी या फिर कुमकुम जल में मिलाकर के उनको अर्पित करिए आसपास के किसी मंदिर को धोने का काम करिए ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा गीता जी के पांचवें अध्याय का पाठ इस कुंडली के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार